नमस्ते दोस्तों, टेक्निकल किंग के अनबॉक्सिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस अनबॉक्सिंग वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं JBL कंपनी का C100 TWS ट्रू वायरलेस विद गूगल असिस्टेंट ब्लूटूथ हेडसेट। तो दोस्तों, ये C100 TWS हेडसेट जो है हमने लिया हुआ था 1949 यानी कि 1950 रुपये में। अभी इसका प्राइस 2999 रुपये है। हालांकि इसका MRP यानी जो मैक्सिमम रियल प्राइस है वो है 7999 रुपीज़। तो चलिए आइए मिलकर अनबॉक्सिंग करते हैं JBL कंपनी का C100 TWS ट्रू वायरलेस विद गूगल असिस्टेंट ब्लूटूथ हेडसेट। तो दोस्तों, ब्लूटूथ हेडसेट का बॉक्स यहाँ पे हमारे सामने है। तो सबसे पहले जैसे ऑलवेज हम करते हैं, एक बार बॉक्स को कहीं पे डिफेक्ट है यानी एक बार चेक कर लेते हैं बॉक्स तो हमारा सही है। तो चले, बॉक्स में तो कोई हमारा डिफेक्ट नहीं लग रहा है। चलिए फिर इसको हम सेलो टेप को हटा देते हैं यहाँ से। चलिए, तो बॉक्स हमारा ओपन हो गया है। बॉक्स ओपन होते ही हमको सामने मिलता है एक बिल या तो इनवॉइस, और साथ में मिलता है JBL का हेडसेट का बॉक्स। तो बिल को मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम है और नीचे में प्राइस, जैसे मैंने बताया था बाइंग प्राइस 1949 रुपीज़ जो हम लोगों का बाइंग प्राइस है। ठीक है, तो बिल को साइड करते हैं और अभी बॉक्स पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो चलिए, प्लास्टिक का कवर है उसको हटा देते हैं हम लोग। चलिए, तो प्लास्टिक का कवर हट गया है, बॉक्स को ओपन कर लेते हैं प्लास्टिक से। तो देखिए, सुंदर सा दिखने वाला हेडसेट यहाँ पे हमारे सामने है। ऊपर में यहाँ पे C100 लोगो लिखा हुआ है, हमको यहाँ पे दो हेडसेट भी दिख रहा है। साथ में थोड़ा सा जूम करके वो MRP दिखाते हैं। तो MRP इसका जहाँ पे देख पा रहे आप 7999 यानी कि तकरीबन 8000 इसका MRP है। देखिए, 15 मिनट चार्ज करेंगे तो 1 घंटे तक आप सुन पाएंगे। और यहाँ पे कुछ कुछ फीचर्स दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा फोकस कर दे तो वर्क्स विद वॉइस असिस्टेंट। क्विक चार्ज होगा और यहाँ पे 3 जो है ईयरबड आपको फ्री में मिल जाएगा। पीछे की साइड में प्योर बेस, 0 केबल्स, ऑब्वियसली इसमें केबल नहीं है, ब्लूटूथ से ऑपरेट होगा। 17 घंटे का बैकअप यहाँ पे देता है। और पीछे एक साइड में दोस्तों यहाँ पे कुछ कुछ उसका नंबर है। और लेफ्ट साइड टॉप में देंगे कि हेरमैन लिखा हुआ है, तो जो हेरमैन है उसकी पेरेंट कंपनी है JBL का। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ जो प्रोडक्ट का कोड है, बारकोड स्कैनर यहाँ पे लगा हुआ है। तो चलिए, बॉक्स को ओपन कर देते हैं अभी। तो दोस्तों, बॉक्स हमारा ऊपर से खुल गया है। तो चलिए, ये प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, सुंदर सा दिखने वाला यहाँ पे दो हेडसेट, उसके नीचे में उसका कैश बॉक्स और उसके नीचे में उसका दिखाई दे रहा है चार्जिंग केबल और साथ में फ्री ईयरबड्स। तो देखिए, चार्जिंग केबल यहाँ पे छोटा सा एकदम, और सेम आप देख रहे माइक्रो USB टाइप का जो होता है वही वाला इसमें सॉकेट है। देखिए, एक साइड में USB 2.0 है, दूसरी साइड में माइक्रो USB। फोकस थोड़ा सा कम हो रहा है, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। साथ में यहाँ पे फ्री मिलता है यहाँ पे 4 छोटे छोटे ईयरबड, जो कि है 2 पेयर, मीडियम लगा रहेगा, स्मॉल एंड हाई यहाँ पे देगा। ईयरबड केस को निकाल देते हैं दोस्तों। देखिए, बहुत सुंदर सा दिख रहा है, ऊपर JBL कंपनी का लोगो है, प्लास्टिक से रैप है दोस्तों, इसको प्लास्टिक से हटा लेंगे हम लोग। नीचे में भी कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है। देखिए, इनपुट करंट कितना रहेगा, आउटपुट करंट कितना रहेगा, ये सब। और यहाँ पे दिया हुआ है इस केस के चार्जिंग का सॉकेट। प्लास्टिक को हटा लेते हैं दोस्तों। देखिए, बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला यहाँ पे ईयरबड केस है ये। पीछे की साइड में देखिए, अभी आपको क्लियर दिखाई देगा एकदम, इनपुट रेटिंग क्या रहेगा, आउटपुट रेटिंग क्या रहेगा, बैटरी कैपेसिटी कितना है, यही सब इसमें लिखा हुआ है। पीछे की साइड में यहाँ पे 3 डॉट जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला चार्जिंग दिखाएगी इसके अंदर कितना चार्ज है। चलिए, ओपन करके मैं दिखा देता हूँ एक बार, उल्टी साइड से ओपन होगा। हाँ, ये देखिए, तो जैसे ही ओपन करते दोस्तों, नीचे में यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि कितना चार्ज है।
ठीक है। और यहाँ पे जो दो बॉक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे अपना राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, देखिए ऊपर जो बॉक्स है उसके ऊपर में भी लिखा हुआ एल एंड आर, तो उसके हिसाब से ही आपको ईयरबड जो है आपको इसमें फिक्स करना है। इसको मैं एक बार बाहर निकाल लेता हूँ ईयरबड को भी। देखिए ये वाला दोनों जो पॉइंट दिख रहे हैं वो है चार्जिंग कॉन्टैक्ट है, इसको आप नीचे केस में लगाएंगे तो चार्ज होगा। यहाँ पे जो बिल्कुल है, यहाँ पे कंपनी का लोगो है, वहीं पे इसका बटन है, ठीक है। दूसरा वाला भी निकाल लेते हैं, ये देखिए सेम डिज़ाइन है, दो कॉन्टैक्ट जो है वो चार्जिंग के लिए है, राइट साइड का ये है और एक इसमें बटन रहेगा। चलिए दोनों को मैं एक बार केस में लगा के दिखा देता हूँ। देखिए राइट साइड वाला यहाँ पे आर लिखा है वहाँ पे रहेगा, तो देखिए वहाँ पे लाइट यहाँ पे चार्ज हो गया, और लेफ्ट वाला जो रहेगा वो लेफ्ट साइड में जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्टिव हो गया, और ये लेफ्ट वाला भी देखिए लेफ्ट वाले में भी लाइट जो है वो जल गया, यानी कि ये चार्ज हो रहा है। तो छोटे छोटे ईयरबड जो है वो यहीं से चार्जिंग केस से चार्ज होगा। देखिए जैसे बाहर निकाल लेते तो लाइट जो है इसका बंद हो जाता है। JBL का केस अगर बंद करेंगे तो थोड़ी देर में ये जो चार्जिंग लाइट है देखिए ये भी बंद हो जाता है। तो अभी दोस्तों मैं इसको चार्जिंग में लगा के दिखा देता हूँ। तो एक जो USB 2.0 उसको मैं पावर बैंक में लगाता हूँ, और दूसरा जो माइक्रो USB है उसको हम लगा देते हैं चार्जिंग केस में। तो जैसे ही केस में लगाते हैं दोस्तों, तो पीछे की साइड में जो लाइट है देखिए ब्लिंक करने लगता है। तो यहाँ पे तीन लाइट है तो ऑब्वियसली ये 33% को इंडिकेट करेगा। तो देखिए 33% चार्ज है, और बाकी का जो 66 तक का चार्ज है यहाँ पे ले रहा है, तो ये धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। तो ऐसा करके आपको पता चलेगा आपका चार्जिंग केस जो है चार्ज हो रहा है या चार्ज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों चार्जिंग केस के पीछे की साइड में यहाँ पे कुछ कुछ हमको बुकलेट मिलता है जो कि इंफॉर्मेटिव रहता है और क्विक गाइड रहता है। तो देखिए तीन हमको यहाँ पे बुकलेट मिला है। पहला वाला है, ऊपर में हारमैन कंपनी का सिंबल है और नीचे में कुछ कुछ एड्रेस है, उसको छोड़ देते हैं। दूसरा बुक इंफॉर्मेशन के लिए है, जस्ट सेफ्टी गाइड है। और तीसरा जो बुकलेट मिलता है वो हमको मिलता है क्विक स्टार्ट गाइड का, उसको दोस्तों एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो बहुत बड़े अक्षरों से बड़े पिक्चर से यहाँ पे दिखाया गया, जैसे पहला हाउ टू वियर, तो यहाँ पे जो एयरबड है उसको अंदर लगा के कैसा आपको यूज़ करना है दिखाया गया है। दूसरा में फर्स्ट टाइम यूज़, तो उसमें कैसे फर्स्ट टाइम यूज़ करना है, तो बाहर निकल के जस्ट आपको चार्जिंग केस के अंदर इसको लगाना है, तो फर्स्ट टाइम में आपको यही करना है। तीसरा यहाँ पे जैसे पावर ऑन एंड कनेक्ट, तो जैसे नॉर्मली बाहर इसको निकालना है, जैसे दिया चार्जिंग केस से बाहर निकाला ब्लूटूथ से आपको पेयर करना है, तो ऐसे पावर ऑन करके कनेक्ट हो जाएगा। चौथा यहाँ पर पेयरिंग दिया गया है, तो पेयरिंग के लिए सिंपली आपको दोनों के दोनों को बाहर निकाल देना है। ये ऑटोमेटिक पेयरिंग जैसे यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है। पावर ऑफ के लिए क्या करना है, चार्जिंग केस जो होगा उसको ऊपर का ढक्कन को आपको बंद कर देना है, तो अंदर में आपका एयरपोर्ट होगा और इसको बंद कर देंगे तो ये पावर ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे नीचे में मैनुअल कंट्रोल के लिए भी कुछ कुछ दिया हुआ है, जैसे अगर ऑन ऑफ उसमें नहीं होता है तो आप बटन प्रेस करके भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे नीचे में यहाँ टाइमर भी 5 सेकंड को प्रेस करके रखना है तो पावर ऑन ऑफ हो सकता है ये। और नीचे में यहाँ पे बात करेंगे तो बटन कमांड, जब आप यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड का है, उसको आप एक बार प्रेस करेंगे तो बैकवर्ड होगा फॉरवर्ड होगा, यही सब यहाँ पर डिटेल है। तो मैं डिटेल में देख लेता हूँ। देखिए लेफ्ट साइड का एक बार प्रेस करेंगे तो फॉरवर्ड, दो बार प्रेस करेंगे तो बैकवर्ड। राइट साइड में यहाँ पे प्लेन पोज का है, और यहाँ पे कॉल उठाने का और कॉल कट करने का, और 3 सेकंड अगर प्रेस करेंगे तो म्यूट और अनम्यूट होगा। तो ये यहाँ पे बटन कमांड है। और यहाँ पे नीचे में देखेंगे चार्जिंग के लिए, तो सिंपली आपको सॉकेट लगाना है। चार्ज टाइम यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है 2 घंटे, 2 आवर्स आपको रखना है। LED बिहेवियर यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे नीचे में देखेंगे चार्जिंग केस का, यहाँ पे 3 लाइट जो दिखाया गया था, तो लो बैटरी होगा तो एक यहाँ पे ब्लिंक होगा, चार्जिंग चल रहा होगा तो ऑब्वियसली ब्लिंक करता रहेगा, और फुल चार्ज हो जाएगा तो 3 ब्लैंक होगा। राइट साइड में यहाँ पे जो अपना एयरबड होगा तो उसमें भी यहाँ पे लाइट जलेगा, तो पावर ऑन होगा तो किस तरीके का रहेगा, ब्लूटूथ कनेक्शन होगा तो किस तरीके का रहेगा, लो बैटरी में किस तरीके का ये बिहेवियर करेगा, तो यही सब इसका इंडिकेटर है। तो इस बुकलेट में तो दोस्तों यही था। दूसरी बुकलेट जो है वो सब सेफ्टी के लिए है और क्विक गाइड, तो उसको छोड़ देते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों अभी JBL C100TWS के हेडसेट का हम लोग बस ट्रायल ले लेते हैं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन करेंगे, ब्लूटूथ के सेटिंग में चले जाएंगे, और यहाँ पे चार्जिंग केस में हम लोगों का हेडसेट रखा हुआ है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे चार्जिंग केस के कवर को ओपन करके हेडसेट को बाहर निकालते हैं। तो चलिए पहला हेडसेट हमने बाहर निकाल लिया है, सेम हम दूसरा हेडसेट भी बाहर निकाल लेते हैं। चलिए दोनों हेडसेट बाहर निकल गए हैं। तो फर्स्ट टाइम पेयरिंग है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा
एक बार प्रेस करना पड़ेगा 5 सेकंड के लिए। तो मैं प्रेस कर दिया हूँ, तो देखिए यहाँ पे अवेलेबल डिवाइस में यहाँ पे लिस्ट हो गया है। तो यहाँ पे JBL C100 जहाँ पर भी लिखा रहता है उस पर आपको क्लिक करना है और आपको पेयर करना है। तो देखिए पेयरिंग यहाँ पे प्रोसेस में है, तो देखिए यहाँ पे आ गया रिक्वेस्ट, तो हम कर लेंगे पेयर। पेयरिंग में है दोस्तों, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ी देर के बाद ये हो जाएगा कनेक्ट। तो देखिए कनेक्ट यहाँ पे हो गया है, ब्लूटूथ कनेक्शन का यहाँ पे पॉपअप है, उसको भी ओके कर देंगे। तो देखिए दोनों हेडसेट जो हमारा कनेक्ट हो गया है। यस, यहाँ पे बैटरी भी सफिशियंट है, 50% मोर देन इनफ है। ओके, तो ये वाला जो हेडसेट है वो एक बार देख लेते हैं हम लोग कौन सी साइड का है। ये है राइट साइड का, यस यहाँ पे आर लिखा हुआ, ठीक है इसको यहाँ पे फ़ोन के राइट साइड में रखेंगे। और ये है लेफ्ट साइड का ऑब्वियसली, तो इसको रखेंगे फ़ोन के लेफ्ट साइड में। ठीक है, अभी म्यूज़िक ऐप को ओपन करेंगे, कोई भी आपके पास जो भी म्यूज़िक ऐप हो। चलिए म्यूज़िक ऐप ओपन हो गया है, अभी हम लोग एक बार हाथ से प्ले कर देते। देखिए मोबाइल से हम लोग प्ले कर दिया है और अभी बटन टेस्ट करेंगे हम लोग। तो दोस्तों वॉल्यूम मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मेरे को यहाँ तक भी आवाज़ आ रहा है, आपको यहाँ पे सुनाई नहीं देगा, लेकिन म्यूज़िक जो है इसका बहुत ही अच्छा है दोस्तों, काफ़ी शानदार म्यूज़िक है इसका। तो सबसे पहले राइट साइड के ईयरफोन का एक बार मैं प्रेस करूँगा, देखिए ये हो गया पॉज, फिर से एक बार प्रेस करूँगा तो ये हो गया प्ले। तो जैसे कि फीचर में हमने देखा होता राइट साइड के ईयरफोन को एक बार टच करने से ये होगा प्ले एंड पॉज का फंक्शन करेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं शानदार फंक्शन भी यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो अभी बारी है लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड में जैसे था एक बार दबाने से फॉरवर्ड, दो बार दबाने से रिवर्स। तो अभी हम फिलहाल के लिए एक बार प्रेस करेंगे, देखिए सिंगल टाइम, ये देखिए नेक्स्ट गाना जो है प्ले होना चालू हो गया। फिर से एक बार किया तो फिर से नेक्स्ट सॉन्ग जो है प्ले हो गया। अभी मैं डबल क्लिक किया तो ये देखिए प्रीवियस सॉन्ग जो है प्ले हो गया। फिर से मैं डबल क्लिक किया तो यहाँ पे फिर से प्रीवियस सॉन्ग प्ले हो गया। तो देखिए बटन जो है एज इट इज़ वर्क कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ी देर ज़्यादा प्रेस करके रखने से दोस्तों यहाँ पे गूगल असिस्टेंट जो है एक्टिव हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे गूगल असिस्टेंट एक्टिव हो गया है। तो चलिए बटन कमांड जो इसका अच्छा है। अभी बात करते हैं दोस्तों इसके बंद करने की, अगर जैसे ब्लूटूथ अभी देख पा रहे कनेक्टेड है तो सिंपली उसमें भी लिखा हुआ था गाइड में भी, तो जैसे ही आप चार्जिंग केस में रखेंगे अपने हेडसेट को तो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। देखिए दोनों को मैं अंदर रख दिया तो देखिए ब्लूटूथ यहाँ पर देख पा रहे डिस्कनेक्ट हो गया। तो जैसे ही चार्जिंग केस में रखेंगे ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और अभी जैसे मैं दोनों बाहर निकल लिया हूँ तो देखिए हार्डली 5 सेकंड लगता है दोस्तों इसको कनेक्ट होने में। देखिए थोड़ा सा टाइम लग गया लेकिन ये देखिए ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। तो ऐसा करके ऑटोमेटिक कनेक्ट या डिस्कनेक्ट हो जाता है। देखिए अभी फिर से मैंने चार्जिंग केस में लगा दिया दोस्तों, तो ये हो गया अपना डिस्कनेक्ट। तो दोस्तों आज के इस अनबॉक्सिंग वीडियो में यही अनबॉक्सिंग था JBL C100 TWS ट्रू वायरलेस विद गूगल असिस्टेंट ब्लूटूथ हेडसेट। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों कुछ सुझाव आपका है, कुछ सजेशन है, या तो कुछ कॉमेंट है, या तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज के वीडियो में यही था दोस्तों, ऐसे मज़ेदार और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल टेक्निकल किंग को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।